एक दिन कबीर गाट पर चले चले जा रहे थे क्या देखते हैं एक पांडा जी बैठे अपना सिर मुंडा रहे चोटी बचा के बाकी सर मुंडा रहे कबीर वहीं बैठ गए अभी जवान थे खून में बड़ी तेजी भी थी और जुबान तो छुरी से तेज थी ही पूछते हैं क्यों पंडित जी सिरका है मुडा रहे हो पंडित ने कहा तुझे क्या करना चल जा निकल यहां से बोले नहीं नहीं बहुत श्रद्धा से पूछ रहा हूं जानना चाहता हूं आप ब्राह्मण हैं आपका काम है समझाना तो समझाओ सिर का है मुंडा रहे हो वो ब्राह्मण जन्म का तो होगा कर्म का नहीं होगा बेश से तो होगा बुद्धि से नहीं ब्राह्मण होगा समझता नहीं था उसने उत्तर दिया इसलिए मुंडा रहा हूं क्योंकि इससे पुण्य मिलता है कबीर ने जो ये बात सुनी बड़े गंभीर स्वर में अपने दोस्त को आवाज मारते हैं ऐ दादुआ सुन तेरी भेंट बड़ी पुण्यशाली तो हर तीन महीने में उसका मुंडन करता मुंड मुंडने से पुण्य मिलता है देख हमारे पंडित जी बोल रहे ब्राह्मण चुटते थे बात सुन के भड़क जाते थे डंडा लेके पीटने को आते थे कबीर ठहरे संयमी योगी चरहरे बदन वाले भाग के निकल जाते थे कौन हाथ लगाएगा उनको बिना जाने बिना समझे लकीर पीटने वालों को हम परंपरावादी कहते हैं और इन्हीं परंपराओं का विरोध किया कबीर ने कमरों में बैठ के सभाओं में बैठ के धार्मिक आयोजनों में बैठ के गोष्ठियों में नहीं बीच बाजार में खड़े होकर निधड़क बोलते थे कबीर कि ये जो तुम कर रहे हो सो गलत है राम पत्थर में नहीं है राम अगर है तो सर्वघट में है और अगर सर्वघट में नहीं है तो इस पत्थर में कैसे हो सकता है पत्थर से बनी मूर्ति के विषय में एक बार हमने एक बहुत वयोवृद्ध संत से चर्चा करी सहज में बात उठी कि मूर्तियों का चलन कब से शुरू हुआ महात्मा कहने लगे कि पहले लोग ऋषियों के पास जाते थे ब्रह्म की विचार प्राप्त करने के लिए अज्ञान के नाश के हेतु पर धीरे धीरे लोगों का बुद्धि का स्तर गिरने लग गया और उस अन्य देखे अनंत अथाह सत्य के प्रति रुचि न होकर उनकी रुचि संसार में आ गई और फिर वो ऋषियों के पास जाके सांसारिक वस्तुओं की मांग करने लग गए कि आशीर्वाद दो राज्य मिले पत्नी मिले संतान मिले तब महात्माओं ने ये सोचा हमारा काम तो परमात्मा के रहस्य को बताना है संयम के जीवन को सिखाना है और ये तो वासना की डगर पे जा रहे कहते तब उन्होंने मूर्ति का चलन बनाया कि जो कुछ दुनिया की चीज मांगनी है सो इससे मांगो हमसे नहीं कि क्या सोच रहे है ऐसी क्रांतिकारी बात इन महात्मा के आश्रम में मंदिर है बहुत सी मूर्तियां भी है वो एक किनारे बैठे रहते दुनिया की चीजें मांगनी जाओ वहां चले जाओ अच्छा वहां कोई बैठा सुन रहा है ये बात वो भली प्रकार जानते हैं मूर्ति के कान होते तो सुन लेती कान तो है नहीं हैं क्या कान उसके दिखते हैं है क्या स्वामी रामानंद जिनको कबीर के गुरु कहा जाता है इनके विषय में कहते कि एक दिन वह अपने भगवान को भोग लगाना चाहते थे दूध चाहिए था एक चेले को बोला दूध ले आओ। चेला होगा निकम्मा उसको दिख गए कबीर तो उसने ये काम उसे सौंप दिया ए जा कबीर जा दूध ले आ सदगुरु ने भोग लगाना है भगवान को कबीर ने लोटा तो ले लिया पर मन ही मन सोचते हैं भला मूर्ति दूध पिएगी क्या ये संभव है उनके समझ नहीं आया कि उनके स्वामी रामानंद ये कर्म करते क्यों हैं? तो आज कबीर के मन में सनक सूझी वो निकले थोड़े दूर और एक मरी हुई गाय के कंकाल के पास जाके बैठ गए उसके मुंह की तरफ घास रख दी हरी हरी और उसके पिछवाड़े में बैठ करके लोटा लेके हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे गाय माता घास खा ले और दूध दे दे हमारे गुरुजी ने भोग लगाना है भगवान को अब ये जो नाटक किया तो खबर तो पहुंच ही जानी थी पहुंची खबर चेलों तक चेलों ने बड़ास निकाली भाग के गए गुरुजी के पास कि देखो आपका ये लाडला चेला कर क्या रह। रह। रहा है रामानंद जी खड़ाऊ पहनी बाहर निकले और गए उस जगह पे क्या देखते हैं गाय के कंकाल के पास बैठे हैं मुंह की तरफ घास रखी है और जहाँ उसके थन होने चाहिए उस तरफ पिछली टांगों के पास लोटा लिए बैठे हैं हाथ भी जोड़ रहे हो कह रहे गांव माता दूध दे दे गुरु जी को भोग लगाना ये बोले जा रहे है रामानंद आये कहते कबीर क्या कर रहे हो कबीर ने कहा गुरु जी ठहरिए गांव माता से प्रार्थना कर रहा हूं अभी दूध आया नहीं है रुकिए इंतजार कीजिए जैसे ही आता है मैं लाता हूं रामानंद कबीर के सर पर हाथ रख कर कहा बेटे उठो क्या कर रहे हो बुद्धि ही तुम क्या ये कंकाल दूध दे सकती है भले गाय का कंकाल है पर दूध थोड़ी देगी अभी ये वह तो मरी गई तो कबीर ने स्वामी रामानंद की आंखों में आंखें डालते हुए प्रश्न किया वो कहते तो गुरुजी आपकी वो पत्थर की मूर्ति दूध पी लेगी क्या जो गाय दूध मरी दे नहीं सकती तो क्या मूर्ति दूध पी लेगी रामानंद ने कहा यह मेरी भावना है दुनिया के तमाम भक्त यही बोलते हैं ये उनकी भावना है कबीर कहते तो फिर मेरी भी ये भावना है कि ये मरी गाय दूध दे देगी देखते हैं जाकी रही भावना जैसी वो पूरी होती नहीं होती देखते हैं मैं भी बड़ी भावना से बैठा हूँ घंटों बैठूँगा हफ्ते सालों बैठना पड़े बैठूंगा लेकिन दूध इसी का लेके आऊंगा आऊँगा बाकी चेलों ने कहा इसका तो हो गया दिमाग खराब गुरुजी चलिए हम कहीं और से ले आते हैं इस घटना से एक चीज सिद्ध होती है कि स्वामी रामानंद को बाल में कबीर जी जरूर मिले हैं और वो बड़े प्यारे संत रहे होंगे अच्छे संत रहे होंगे भाव प्रधान संत रहे होंगे और कबीर भी बालक थे तो भावना में कबीर भी आए होंगे और रामानंद को उन्होंने गुरु भी धारण किया होगा और जैसे जैसे कबीर जवान होते गए हैं उनकी बुद्धि उनके देह से भी ज्यादा तेजस्वी और जवान हो गई और वो फिर उसी उसी प्रमाण उसी तर्क के साथ शोध करते रहे जिन तर्कों और प्रमाणों के साथ उपनिषद के ऋषियों ने यह जाना था कि आत्मा क्या है उसी तर्क उसी प्रमाण उसी अनुसंधान के साथ कबीर भी इस निष्कर्ष पे पहुंच गए थे कई संसार में दो ही वस्तुएं हैं एक जड़ है एक चेतन देह जड़ है संसार बाहर जड़ है मन जड़ है और अंतर जो आत्मा है यही चेतन है तो अगर कोई परमात्मा है तो यही चेतन आत्मा ही परमात्मा हो सकता है और कोई हो नहीं सकता है तो आत्मा अनुसंधान में लग गए रामानंद परंपरावादी संत थे अच्छे संत थे लेकिन वो अपनी परंपराओं में बंधे हुए थे वो बाहर नहीं निकल पाए कबीर तो उड़ गए विचार के पंख लगा के ज्ञान के पंख लगा कर उन्होंने अपनी उड़ान भर ली इसलिए लोक व्यवहार में ये कहा जा सकता है कि स्वामी रामानंद कबीर के गुरु हैं लेकिन अगर आप कबीर और रामानंद की सोच और जीवन और व्यवहार को देखो तो बात कुछ बनती नहीं रामानंद राममूर्ति पूछते रहे एक बार किसी ने कबीर साहब से ही पूछा जब उनका बहुत सत्संग में प्रचलन हो गया बड़ी लोग आने लग गए तो एक दिन किसी ने उन्हीं से पूछा था कि आपके सदगुरु तो मूर्ति पूजते हैं और आप कहते हो कि जो पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़ मूर्ति में तो पत्थर इतना सा लगेगा पहाड़ में तो बहुत सारा है पत्थर ही पूजने से मिले भगवान तो मैं पहाड़ पूजता हूं पत्थर पूजे जो हरी मिले तो मैं पूजू चक्की चक्की में भी पत्थर है बल्कि चक्की ज्यादा अच्छी है दाना पीसो और आटा मिलता है और पेट भरता है और ये मूर्ति तुम पूजने से क्या लोगे साहब से ही पूछा ऐसा कैसे आपके गुरु मूर्ति पूछते हैं आप मूर्ति का खंडन करते हैं कुछ समझ नहीं लगी साहब ने बहुत नम्रता से बहुत मीठे और बहुत सुंदर अंदाज से जवाब दिया गुरु की गुरु जाने गुरु की गुरु जाने मतलब मैं उनका ठेकेदार नहीं हो सकता जैसे वो मेरे ठेकेदार नहीं हो सकते वो मेरे रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकते मैं उनका उनका उत्तर कैसे दे सकता हूं ये तो वही जवाब देंगे कि वो क्यों पूछते तो मुझसे पूछो मेरी बात पूछो तो बोले गुरु के गुरु जाने कबीर साहब की एक बहुत सुंदर शब्द है जिसमें उन्होंने कहा गुरु की करनी गुरु जाएगा चेले की करनी चेला यह आवश्यक नहीं है कि जिससे जिस गुरु से तुम्हारी यात्रा शुरू हुई वह गुरु अगर आत्मवित नहीं है तत्ववेता नहीं है और किसी परंपरा को सिर्फ पूजने वाला है तो शायद उसके माध्यम से तुम्हारी वो उन्नति ना हो सके जो गुरु स्वयं तर्कशील नहीं है ज्ञानवान नहीं है अब गुरु पद भी तो भारत में किसी को भी मिल जाती सबको ही मिल जाती है ज्यादा अच्छा खाना पकाए तो कहते खाना पकाने में गुरु ज्यादा अच्छे संगीत सुनाए तो कहते संगीत में गुरु और उस्तादी करने में होशियार हो तो कहते उस्तादों का गुरु ठगों का गुरु तो गुरु तो यहां सब कोई है इसलिए कबीर ने यह भी बात उठाई गुरु गुरु में भेद है एक ही गुरु नहीं हो सकता गुरुओं के भी प्रकार होते हैं और हमने गुरु गीता करते समय पर गुरुओं के वह सब प्रकारों का विवरण आपको दिया था सूचक गुरु बोधक गुरु वाचक गुरु निष्सिध गुरु और उन्हीं में फिर तत्वज्ञानी गुरु भी हैं बोधवान गुरु भी हैं माने ऐसे गुरु भी हैं जो त्याग देने चाहिए और ऐसे गुरु भी हैं जो त्याग देने नहीं चाहिए ऐसे गुरु भी हैं जो शुरुआत का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्टरी काम करा सकते उसे गहरा नहीं करा सकते जिन्हें हम बोधक गुरु कहते हैं उससे निचले में आ गए सूचक गुरु ग्रंथ पढ़ा कहानी सुना दी भागवत पढ़ी कहानी सुना दी सूचक सूचनाएं दे रहे वाचक गुरु वचन सुनाते रहते वचन भी सुनाते रहते और बाद में साइड में ये भी देखते रहते आरती की थाली में पैसे कितने आए हैं ये भी गुरु है तो गुरु गुरु में भेद है गुरु गुरु में अंतर सदगुरु का मिलना और एक गुरु के मिलने में बड़ा फ़र्क होता है तो दुनिया में ऐसे तो गुरुओं की कोई कमी नहीं है पर प्रश्न ये उठता है कि क्या जिस गुरु को तो गुरु कह रहा है वो सदगुरु है या नहीं सदगुरु कौन जिसके पास सत्य का बोध है वह सदगुरु जो तुम्हें भटकाए नहीं उलझाए नहीं वह गुरु तो जिन महात्मा से ये मूर्ति के संबंध में, में मेरी बात हो रही थी अब उन उनके अपने आश्रम में कितनी मूर्तियां लगी हैं अभी हम गए तो देखा लेकिन वो खुद तो जहां बैठे वहां कुछ भी नहीं वो तो कह रहे दुनिया आती है अब उसको संसार की वस्तुएं चाहिए तो चले जाओ वहां पे ओ उसी में खुश है तो जो जिसमें खुश है उसको रहने दो खुश कहते हम काहे मत्था पची करें और हर बार मुझे बोलते हर बार कहते आप तो धन्य हो आप तो सक्षा देवी सरस्वती लक्ष्मी हो मैं वो क्यों क्या गुनाह कर दिया मैंने जो इतनी महिमा हमारी सडनली गाने शुरू हो गए कहते इतने लोगों को बर्दाश्त करते हो इतने लोगों को सुनाते फिर रहे हो समझाते फिर मेरे बस का नहीं मैं नहीं कर सकता ये काम बड़ा मुश्किल बड़ा कठिन है मेरा आसान काम है दुनिया की बात करो वहां चले जाओ तो मूर्ति का भाई जब लोगों के बुद्धि का स्तर गिरा जब संसार की आसक्ति बढ़ी जब ज्ञान की रुचि कम हो गई जब सत्संग की रुचि कम हो गई तो फिर आश्वासन के हेतु उन्होंने ये खड़ा कर दिया अब देखिए कृष्ण और राम जयदा पुराने नहीं है और कृष्ण और राम के विषय में किसी भी उपनिषद में कोई बात नहीं क्योंकि उपनिषद तो उससे भी बड़ी पुरानी है किसी उपनिषद में यह नहीं कहा कृष्ण पूजो राम पूजो हर उपनिषद में लक्ष्य विषय एक ही है क्या असत्य है जानो क्या सत्य है जानो क्या स्थिर है जानो क्या अस्थिर है, है वह जानो और इससे धीरे धीरे चिंतन करते करते अपने अंदर अंदर अंदर, अंदर उतरते चले जाओ वेद में जिक्र नहीं रही बात पुराणों की तो पुराण तो सबके सब लिखे गए हैं वेद व्यास जी के द्वारा एक ही राइटर है सब सबका वेद व्यास जी कब हुए है श्री कृष्ण के काल से थोड़ा सा पहले मैंने ये समझ लीजिए ना कि जो पांडु था उसके दादा के जमाने में ही वेद उत्पन्न हुए ऋषि पराशर के पुत्र हैं ये मां इनकी नाविक की मलाह की बेटी थी और ऋषि पराशर ने नियोग किया था इसके साथ वेद उत्पन्न हुए थे तो वेद जी बहुत पुराने तो है नहीं और उपनिषदों का काल और भी पुराना है तो उपनिषद क्या कहती है वो जब सुनना सीखना लोग भूल गए और पड़ गए चक्करों में माया के तहाँ तो मूर्तियों का प्रचलन बढ़ा है